आज के दौर में हर मानव के जीवन में संघर्ष ही संघर्ष आ रहा है। भौतिक कार्य को करने के लिए नाना प्रकार के कठिन परिश्रम भी करने पड़ते हैं, परंतु हमारे जीवन में खुशी का एक ऐसा पल भी आता है जो हम हंसते खेलते और खुशी मनाते हैं। कुछ पल जीवन में हमें दुख भी आते हैं, हम विवश हो जाते हैं, हम बीते हुए पल को हमेशा याद करते हैं, जबकि उसका वर्तमान समय में कोई भी लाभ नहीं होता। हम सब व्यक्तियों के जीवन में हमारे मन में पुरानी बातों की गांठ बंधती चली जाती है। अतीत की बात का वर्तमान के समय में कोई महत्व नहीं होता। किसी ने ठीक ही कहा है कि वही व्यक्ति ज्ञानी और समझदार है जो अतीत और भविष्य की चिंता ना करते हुए वर्तमान के समय का सदुपयोग करता है, वही श्रेष्ठ और विवेकी व्यक्ति होता है। सदुपयोग का तात्पर्य यह है कि जिस परमपिता परमात्मा ने यह सारा संसार रचा है, उसने नाम को जानकर उसका निरंतर ध्यान और भजन सुमिरन करना, यही हम सभी लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। आज हम दूसरों के सुख को देखकर जीवन में दुखी होते हैं। आप किसी शहर में चले जाइए, उन सड़कों पर चलें और देखें कि व्यक्ति कितना सुखी और संपन्न है, पर हम उससे पूछते नहीं हैं, केवल अनुमान लगाते हैं। उसके पास यह वस्तु है, या तो बड़ा सुखी है, परंतु यह वस्तु तो मेरे पास भी होनी चाहिए, और यह सब सोचकर हमारा मन बड़ा ही दुखी रहता है। हम आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताते हैं कि जापान देश में एक छोटी सी बहुत ही सुंदर पहाड़ी थी। उस पर बहुत बड़े ही ज्ञानी विवेकी व्यक्ति रहते थे। वहाँ जो रहना चाहता था उसको आज्ञा में रहने के साथ साथ पहले धार्मिक वार्तालाप करना होता था, फिर वही व्यक्ति उस पहाड़ी पर आकर बैठ सकता था। यात्री को पहले गुरु जी के छोटे भाई से तर्क करना होता था। इशारों इशारों में वह व्यक्ति गुरु जी से कहता था कि आपका भाई बड़ा ही होशियार और बुद्धिमान है, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। अगले दिन साधु जी के पास उनका छोटा भाई आता है और कहता है कि वह व्यक्ति बहुत ही गलत है। उसे गुस्सा आता है कि यह व्यक्ति तो बेवकूफ है, इसने मेरा अनादर और अपमान किया है, मैं इसका खून कर दूंगा। साधु जी ने उसे बुला कर कहा कि आदमी का मन आसानी से अनुकूल नहीं बनता। साधु जी के भाई उन जो छोटे थे उनकी एक आंख नहीं थी, वह बहस के लिए अगले दिन आया। यात्री ने उसे एक उंगली दिखाई, जबकि साधु जी का भाई इतना ज्ञानी विवेकशील नहीं था, वह साधारण ही था। तो वह मन में सोचता है कि इस यात्री ने मेरी एक आंख की तरफ एक उंगली दिखाई है, तो वह उस यात्री की तरफ अपनी दो उंगली दिखाई दी कि यदि वह मेरी एक आंख फोड़ना चाहता है तो मैं इसकी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। जबकि यात्री समझा कि भगवान एक है, दूसरा उसको जानने वाला भी हो या फिर यात्री तीन उंगलियां दिखाता है, अर्थात मन प्राण आत्मा और शरीर आदमी का होना चाहिए। तो गुरु जी के भाई उस इशारे का अर्थ समझते हैं कि ये तीन उंगलियां मेरे को मारने के लिए मेरी तरफ कर रहा है। तो उसने अपनी उंगलियां अंदर की तरफ मोड़ी और मुट्ठी उसे दिखाई दी। तो यात्री समझ गया कि जब तीनों तत्व सत रज और तम एक हो जाते हैं तो ब्रह्मा की तरफ बढ़ने का व्यक्ति को इशारा करती हैं, तब जीव ब्रह्मा एक हो जाती हैं। हमारे कहने का भाव यह है कि यह भौतिक जगत को देखती हैं तो अंदर और बाहर प्रभु की शक्ति का हमें अनुभव होता है, तभी
हमें गुरु जी कहते हैं कि हमें अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। आज हम सब ने परमपिता परमात्मा को ना जानने के कारण ही कितने रीति रिवाज और फालतू के धर्म बना लिए। ईसाई धर्म में उस एक गॉड परमपिता परमात्मा को ही जानने की बात कही तो ईसाई धर्म के मानने वाले ईसा मसीह की पूजा करते हैं, जबकि आज ना जाने कितने ब्रह्मा पूजा पाठ के अलग अलग रास्ते बना दिए। उस पर परमपिता परमात्मा का वास्तविक ज्ञान ना होने के कारण सनातन धर्म में भी समय के अनुसार परंपराएं बदलती गई। विदेश में लोग गॉड को अलग अलग रूप में देखते हैं, इसीलिए समय समय पर महापुरुष इस संसार में आए, धर्म के रास्ते से भटके हुए जीवों को सही ज्ञान देकर सत्य का मार्ग दिखाया। लोगों ने उनके सानिध्य में रहकर धर्म के सत्य मार्ग पर चलना सीखा। सत्य तो सुख दुख लाभ हानि से परे है, सत्य को बांधा नहीं जा सकता। जैसे किसी गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दो और उससे पूछो कि गुड़ का स्वाद कैसा है, तब वह व्यक्ति बोल ही नहीं सकता तो कैसे बताएगा कि गुड़ का स्वाद कैसा है। ध्यान भजन सुमिरन अनुभव का विषय है, वह तो वाणी का विषय नहीं है, कभी भी भूख से बयान नहीं किया जा सकता। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं होता, ऐसे ही जहाँ सत्य है वहीं पर धर्म है। सभी महापुरुष सत्य के प्रतीक रहे, वे धर्म को ज्ञान के द्वारा संसार में स्थापित करने के लिए समय समय पर आए। भक्तों को उनका सानिध्य प्राप्त करके उनके द्वारा बताए गए ज्ञान मार्ग पर निरंतर चलते रहना चाहिए।